गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम टेंस की कुछ एक्सरसाइज देखेंगे जिसमें आपको मिक्स टेंस मिलेंगे। आपको यहाँ कुछ ऑप्शन भी हैं, कई बार आपको ऑप्शन नहीं भी मिलते हैं या ऑप्शन मिलते भी हैं। तो आज कुछ हम एक्सरसाइज देखेंगे, लेट अस स्टार्ट। यहाँ देखेंगे आप, फर्स्ट सेंटेंस है ये कि ही गो टू कॉलेज एवरी डे, कि वह हर रोज कॉलेज जाता है। अब जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ही के साथ आपको फिफ्थ फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है, तो आप लगाएंगे गोज। ही गोज टू कॉलेज एवरी डे, कि वह हर रोज कॉलेज जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे माय यंग ब्रदर, कि मेरा छोटा भाई गो टू मुंबई लास्ट मंथ, कि पिछले महीने मेरा छोटा भाई मुंबई गया। तो गया हो गया, तो आपका यहाँ लास्ट भी आ गया, देखो। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो हम इसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं बच्चों, तो यहाँ आएगा आपका वेंट। ओके, यहाँ से लिखेंगे कि माई यंग ब्रदर वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ, वेंट गया। ही फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से वह बुखार से पीड़ित है, ठीक है, यानी वो परेशान हो रहा है। तो आप लगाएंगे कि ही हैज बीन सफरिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाओगे आप। ओके, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट, वह पिछली रात से बुखार से पीड़ित है या परेशान हो रहा है। तो आप लगाएंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, ही जस्ट नाउ, कि वह अभी ही गया है या अभी ही आया है, अराइव, तो यानी अभी वह पहुंचा है। तो जस्ट वाले में आपको लगभग प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना होता है, ठीक है, तो आप यूज करेंगे हैज अराइव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज अराइव्ड थर्ड फॉर्म होगी ना, ही हैज अराइव्ड जस्ट नाउ, वह अभी ही आया है। नेक्स्ट, आई वर्क फॉर 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, तो आप ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भरेंगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आई हैव बीन, आई के साथ लगाएंगे आप हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं। नेक्स्ट, आई इन पटना सिंस 1993, कि मैं 1993 से पटना में रह चुका हूं। वैसे यहां जो ऑप्शन है वो यहां पर 2 दिए हैं कि लिव्ड और हैव लिव्ड, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया और ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट तो इसमें नहीं आएगा। या तो आप करेंगे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट, कि मैं पटना में 1993 से रह चुका हूँ, या फिर आप ऐसे लिखोगे कि आई हैव बीन लिविंग। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करना चाहते हो ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो यहाँ था फिर आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस 1993, कि मैं 1993 से पटना में रहता हूँ, रह रहा हूँ। ओके, फिर भी आप ये कर सकते हैं हैव लिव्ड। नेक्स्ट, द मुगल्स बैटल ऑफ पानीपत, मुगलों ने पानीपत की लड़ाई जीती। अब ये दोनों देखो आप, जीती, अगर हिस्ट्री की कोई बात आ जाए, इतिहास की, अतीत की कोई बात आ जाए, तो लगभग आपको 99% उनमें पास्ट इंडेफिनिट भरना होता है बच्चों। तो पास्ट इंडेफिनिट आपका ये है वन, विन की सेकंड फॉर्म है वन, WIN, विन, विन की सेकंड फॉर्म आपकी क्या है वन, तो आप भरेंगे वन, कि मुगल्स वन द बैटल ऑफ पानीपत, मुगलों ने पानीपत की लड़ाई जीती, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेंगे आप। नेक्स्ट, स्टीफेंसन इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, स्टीफेंसन ने बाप के इंजन की खोज की। अब कोई भी आपको अगर पीछे का कोई आविष्कार बता दिया जाए, कोई खोज बता दी जाए, इन्वेंशन बता दी जाए, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट में भरनी होती है बच्चों। तो पास्ट इंडेफिनिट में आप भरेंगे तो इन्वेंटेड सेकंड फॉर्म ये आएगी। ओके, स्टीफेंसन इन्वेंटेड द स्टीम इंजन,
स्टीफेंसन ने बाप के इंजन की खोज की। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री की अतीत की कोई बात आ जाए तो आप उसमें पास्ट इंडेफिनिट ही भरेंगे। तो यहाँ देखिए, महात्मा गांधी डाइड इन 1948, 1948 में मर गए। महात्मा गांधी डाइड, तो यहाँ आप सेकंड फॉर्म भरेंगे, पास्ट इंडेफिनिट भरेंगे। हिस्ट्री की बात आ रही है, इतिहास की कोई बात आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट। ओके, नेक्स्ट देखिए, सी बिफोर ही हर हस्बैंड केम। अब देखो कि जब उसका पति आया उससे पहले, बिफोर उससे पहले वह मर चुकी थी, तो आपका आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आप लगाएंगे हैड डाइड, मर चुकी थी। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि बिफोर वाले में, बिफोर के बाद आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी कम की, सेकंड फॉर्म केम, तो उससे पहले हमें क्या लगाना होता है, हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, हैड डाइड, तो आप यहाँ लगाएंगे हैड डाइड। सी हैड डाइड बिफोर हर हस्बैंड केम, अपने पति के आने से पहले वह मर चुकी थी। नेक्स्ट 11, द ट्रेन हैड लेफ्ट, कि ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर दे रीच द स्टेशन, जब वे स्टेशन पर पहुंचे उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो आप यह लगाएंगे या बिफोर से पहले, देखो आप हैड लगा के थर्ड फॉर्म है, बाद में हमें सेकंड फॉर्म लगानी होती है, तो रीच्ड ये आएगा, ये नहीं आएगा, विद रीच नहीं आएगा, रीच्ड। नेक्स्ट, दे विल प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलेंगे, इफ द प्रिंसिपल अलाउ द टीम, कि अलाउ देम, कि उनको अलाउ करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इफ क्लोज वाले वाक्यों में एक तरफ प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अलाउ की पांचवी फॉर्म अलाउज आपको भरनी है। अगर प्रिंसिपल अनुमति देता है तो वे क्रिकेट खेलेंगे, ये इसकी हिंदी हो जाएगी अलाउज। नेक्स्ट आप देखेंगे 13 है ना, 13वां, ही ए लेटर येट, कि उसने अभी तक पत्र नहीं लिखा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा बच्चों। तो ही हैज नॉट रिटन ए लेटर येट, येट वाले में प्रेजेंट परफेक्ट भर देना आप, कि उसने अभी तक पत्र नहीं लिखा है। नेक्स्ट, व्हेन आई माई वर्क आई शैल टेक रेस्ट। अब यहां पर देखिए, ये वही वाला वाक्य है जो इफ क्लोज वाला वाक्य था, इफ क्लोज वाले नियम था ना। यहां देखिए आप, यहां फ्यूचर इंडेफिनिट है, आई शैल टेक रेस्ट, कि मैं रेस्ट करूंगा जब मैं अपना काम खत्म करता हूं या खत्म कर लूंगा, तो व्हेन आई फिनिश, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इधर आएगा, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिनिश यानी वर्ब की पहली फॉर्म, और यहां फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल टेक, शैल टेक। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया, सी हैड बीन इल फॉर 7 days, कि वह 7 दिन से बीमार थी, तो इसमें आएगा आपका सी टोल्ड मी दैट सी हैड बीन इल फॉर 7 days, कि वह 7 दिन से बीमार थी। ओके, तो हैड बीन इल ये लगाएंगे आप। नेक्स्ट, भावना विल हैव रीच्ड होम, कि भावना घर पहुंच चुकी होगी, बिफोर द सन विल सेट, सूर्य छिपेगा उससे पहले भावना घर पहुंच चुकी होगी, तो आपको यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट भरना है, ठीक है, विल सेट। यहां देखिए आप, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये साइड। ओके, नेक्स्ट, अजित एंड रेखा टू द सिनेमा लास्ट नाइट, कि पिछली रात वो गए, ठीक है, अजीत और रेखा सिनेमा गए पिछली रात, तो यहां आप देखेंगे लास्ट वाले में आपको पास्ट इंडेफिनिट भरना होता है, यानी सेकंड फॉर्म वेंट, आप यहां भरेंगे अजीत एंड रेखा वेंट टू सिनेमा लास्ट नाइट। नेक्स्ट, इट फॉर 5 hours, कि 5 घंटे से बारिश हो रही है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो आप लगाएंगे इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 hours, 5 घंटे से बारिश हो रही है। ओके,
नेक्स्ट, 5 + 5 मेक्स 10, 5 और 5 10 होते हैं। अब इसमें भी ये इंग्लिश का नियम ही है, वैसे तो ये प्लुरल होना चाहिए था, ठीक है, और वर्ब की पहली फॉर्म आनी चाहिए थी मेक, लेकिन ये एक प्रोवर्ब बन जाती है, और प्रोवर्ब है वो लगभग इसको सिंगुलर में मानती है, तो हम यहाँ करेंगे मेक्स, 5 and 5 makes 10, जिस तरह 2 and 2 makes 4, ओके। 20, माई एल्डर डॉटर, मेरी बड़ी बेटी, बोर्न इन 2002, कि मेरी बड़ी बेटी का जन्म 2002 में हुआ था। अब पास्ट की बात आ गई ना, तो यहाँ बी की सेकंड फॉर्म वॉज आएगी, ठीक है, इज बोर्न नहीं आएगा, वॉज बोर्न, कि वो पैदा हुई थी, वॉज आएगा, ठीक है। आई रेड फोर्ट, रेड फोर्ट था लाल किला, कि मैंने लाल किला नहीं देखा, इसमें नेवर देखो, नेवर शाह, नहीं देखा है, ये हिंदी बनेगी कि मैंने अभी तक लाल किला नहीं देखा है, तो आप ये भरेंगे आई हैव नेवर सीन, कि मैंने लाल किला नहीं देखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा बच्चों, हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, ओके। 22, डज ही रन फास्ट, क्या वह तेज दौड़ता है, अब रन आएगा या रन आएगा ये देखो आप, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये पता लग गया आपको, डज आ गया ना यहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब डू डज आ जाए तो आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, रन आएगा, ओके, अगर रन करते हैं तो आप गलत हो जाएंगे, ठीक है, रन, क्या वह तेज दौड़ता है, ओके। द अर्थ मूव अराउंड द सन, कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ वाला वाक्य हो गया, तो इसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, मूव्स, ये फिफ्थ फॉर्म होगी मूव की, मूव्स, घूमती है। नेक्स्ट, हु द ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया, अब बिल्ड, बी यू आई एल डी होती है पहली फॉर्म, किसने बनवाया, तो सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट में, बिल्ट, बी यू आई एल टी, बिल्ट, किसने ताजमहल बनवाया। नेक्स्ट, सी दैट फिल्म ऑलरेडी, कि वह पहले ही फिल्म देख चुकी है, ऑलरेडी जब आता है बच्चों तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट बनना होता है, तो सी हैज सीन, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, हैज सीन दैट फिल्म ऑलरेडी, वह पहले ही ये फिल्म देख चुकी है। नेक्स्ट, हाउ डिड दे टू यजुआर, कि वे यजुआर नाम की जगह क्यों आए, कम देखो कम आएंगे ना, तो अब देखना कि पास्ट इंडेफिनिट में ये और प्रश्नवाचक वाला वाक्य ये, तो इसमें यहाँ गया डिड, जब डिड आ जाता है तो हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी आपको, ये देख लेना, कम ये आएगा, केम नहीं आएगा, ओके। हाउ डिड दे कम टू यजुआर। नेक्स्ट, तेंदुलकर जनरली, सामान्य तौर पर, जनरली आ गया ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जनरली वालों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। तो तेंदुलकर सामान्यतः प्लेज, खेलता है, वेरी वेल, कि बहुत अच्छा खेलता है, बट टुडे, लेकिन आज वह, वेरी बैडली, कि बहुत बुरा खेल रहा है, तो इज प्लेइंग आ जाएगा, ओके, ही इज प्लेइंग वेरी बैडली, कि वह आज बुरी तरीके से खेल रहा है। नेक्स्ट, द सन इन द ईस्ट, राइज यानी उदय होता है, राइजेज, तो आंसर फॉर्म लगाना है, राइज की राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। नेक्स्ट, आई वॉज बोर्न इन 1972, मेरा जन्म 1972 में हुआ, आई फर्स्ट टू कॉलेज इन 86, मैं 1986 में पहली बार कॉलेज गया, तो आपको जब मैंने कहा था कि पुराना कोई सन आ जाए तो आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज करनी है, गो की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर वेंट, ठीक है, मैं पहली बार 1986 में कॉलेज गया। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट में है कि आइस है ना वो 0 degree Celsius पर पिघलती है, ठीक है, वैसे तो यहाँ होना चाहिए था जमना, लेकिन 0 degree पर वो पिघल भी जाएगी ना, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ मेल्ट,
जमना जमती है, तो मेल्ट मीटिंग और मेल्ट्स आएगा यहाँ पर, ठीक है मेल्ट्स, क्योंकि आइस है ना वो एक तो सिंगुलर मानना बच्चों, ये क्या होती है वो जिसे हम बोलते हैं ना काउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन होती है आइस है बर्फ है ठीक है या फिर वाटर है, अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मानेंगे और मेल्ट के साथ पांच चीजों में मेल्ट्स लगा देंगे। नेक्स्ट, बाय दिस टाइम टुमोरो, कल इस समय तक, कल इस समय तक आई शैल हैव रीच्ड होम, कि मैं घर पहुंच चुका हूंगा, तो ये आ गया आपका प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहुंच चुका हूंगा कल इस टाइम तक मैं घर पहुंच चुका हूंगा, तो आई शैल हैव रीच्ड ठीक है होम। नेक्स्ट, ये प्रोवर्ब है ये कहावत है ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, प्रत्येक चमकने वाली चीज है वो सोना नहीं होती, ग्लिटर्स ये आएगा ओके, ये याद कर लेना आप। नेक्स्ट हमने कर ली 33, नेक्स्ट है 34 देखेंगे हम। अब है कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो ये आपका आ गया कोई हिस्ट्री की बात आ गई, जब हिस्ट्री की बात आती है तो हम लिखेंगे डिस्कवर्ड, सेकंड फॉर्म आएगी ना पास्ट इंडेफिनिट, डिस्कवर्ड अमेरिका। नेक्स्ट, ही एब्सेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि वह लंबे समय से एब्सेंट है, ये एब्सेंट चल रहा है, तो ही हैज बीन एब्सेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि वह लंबे समय से एब्सेंट है। नेक्स्ट, आई सा हर, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा व्हेन, जब सी वॉज वेटिंग फॉर द बस, जब वह बस के लिए इंतजार कर रही थी, वॉज वेटिंग ये आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ वैन वाले मैंने आपको कहा था कि एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस आएगा, पास्ट कंटिन्यूस वॉज वेटिंग। नेक्स्ट, द लाइन बाय द अनुप, शेर है वो अनुप के द्वारा मारा गया, यानी अनुप ने शेर को मारा था, तो ये पैसिव वाइज होगी बच्चों, पैसिव वाइज में वॉज लगा के किल्ड लगाना होता है ठीक है, थर्ड फॉर्म वॉज और थर्ड फॉर्म, ये आपका आंसर आ जाएगा, द लाइन वॉज किल्ड बाई अनूप, शेर है वो अनूप के द्वारा मारा गया। नेक्स्ट, डिड यू हर सी हर यसा हर, कि क्या तुमने उसे देखा, अब डिड आ गया ना है? पास्ट इंडेफिनिट का ये आपका इंटरोगेटिव हो गया ठीक है, प्रश्नवाचक जब आएंगे तो आप डिड वाले में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, सी आएगा, सा नहीं लगाना, ध्यान रखना ये बात बच्चों। नेक्स्ट, आई कॉलेज बिफोर द बेल रिंग, अब बिफोर वाला वाक्य आ गया, आप देखो एक तरफ सेकंड फॉर्म है ना रिंग की, सेकंड फॉर्म रैंग है ये देखिए आप, तो अब बिफोर से पहले हैड लगा के थर्ड फॉर्म पर भरनी आपको, तो हैड रीच्ड ये आंसर आ जाएगा, हैड रीच्ड, तो आई हैड रीच्ड कॉलेज बिफोर द बेल रिंग, जब घंटी बजी मैं उससे पहले स्कूल पहुंच चुका था, पहुंच चुका था कॉलेज पहुंच चुका था ओके। माई फादर इन लॉ, मेरे ससुर, पटना नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते पटना जा रहे हैं, तो वैसे तो यहाँ हो जाता था कि विल लीव भी आ सकता था या इज लीविंग भी आ सकता था, लेकिन जाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ जाता है, ये देखिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लीव्स, लीव की फिफ्थ फॉर्म लीव्स। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमोरो, कि कल प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, तो ये देखिए आप कम्स, ये लीव्स वाले है ना वही नियम इसमें लागू हो जाता है कम्स, वैसे तो इज कमिंग भी आ सकता था लेकिन कम्स ठीक है यहाँ आ रहे हैं, इस तरह मैंने बताया था ना हेयर कम्स द बस, इसी प्रकार ओके। नेक्स्ट, वाइल आई वॉज रीडिंग, जबकि मैं पढ़ रहा था, अब देखो वाइल आ गया, वाइल वाले मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ सेम टेंस आएंगे ओके, यहाँ जो टेंस ही देखो आप ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वाज रीडिंग, तो इधर भी आपको वाज क्राइंग पास्ट कंटिन्यूस बनना होगा, इधर पास्ट कंटिन्यूस है तो इधर भी पास्ट कंटिन्यूस, वाज रीडिंग और वाज क्राइंग, तो माई डॉटर वाज क्राइंग, अब मैं पढ़ रहा था तो मेरी बेटी चिल्ला रही थी या रो रही थी। नेक्स्ट,
माई फादर गेट अप 4 o'clock एवरी डे. अब एवरी डे आ गया तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस आएगा बच्चों. प्रेजेंट डेफिनिट में माई फादर सिंगुलर है तो आपको फिफ्थ फॉर्म भरनी होगी गेट्स, गेट की गेट्स. माई फादर गेट्स अप एट 4 o'clock एवरी डे, कि मेरे पिताजी 4 बजे हर रोज उठ जाते हैं. अब आई विश, ये मैंने कहा था ना कि आई विश जब आप कोई कल्पना करें ठीक है तब आपको आई के साथ वर लगाना होता है. आई वर, ये आएगा आपका आंसर. आई वर ध्यान करना बच्चों यहाँ पर. आई वर, आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, मेरी इच्छा है कि काश मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता. नेक्स्ट, वेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी. हैड लेफ्ट, हैड आ जाएगा यहाँ पर. पास्ट इनडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट आएगा यहाँ पर. ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया आपका 46. इफ यू हियर आई शैल टीच यू. अब यहाँ देखिए आप इफ वाले आ गए ना, इफ क्लोज वाले, तो एक तरफ आपका फ्यूचर इनडेफिनिट है तो एक तरफ आपका आएगा प्रेजेंट इनडेफिनिट. यहाँ प्रेजेंट डेफिनिट भरोगे आप, प्रेजेंट डेफिनिट में आप भरोगे कम पहली फॉर्म. ओके तो इफ यू कम हेयर, यदि तुम यहाँ आते हो आई शैल टीच यू, कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा. नेक्स्ट, विनय ए प्रोज नाउ, कि वो प्रोज पढ़ रहा है ठीक है. विनय नाम का एक लड़का है जो इस वक्त कुछ चीज पढ़ रहा है, तो नाउ, नाउ वाले में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस बनना होता है. इज रीडिंग, विनय इज रीडिंग ए प्रोज नाउ, इस वक्त पढ़ रहा है. नेक्स्ट, ही जस्ट, जस्ट वाले मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट भर दें आप, तो ही हैज जस्ट गोन आउट. ये आएगा, हैज पहले आएगा यहाँ पर और गोन यहाँ आएगा. ओके, ही हैज जस्ट गोन आउट, वह अभी बाहर गया है. नेक्स्ट, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस. अब ये एक कहावत है, कहावतें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बढ़नी होती है. ब्रिंग्स BRINGS, हार्ड वर्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है ठीक है, कि कठिन मेहनत है वो सफलता लाती है. ब्रिंग्स, इफ आई वर ए किंग, काश मैं राजा होता. आई वुड बी हैप्पी, तो मैं बड़ा खुश होता. आई वर, ओके आई के साथ वर का यूज होगा. आई वर माई ब्रदर 25 ईयर नेक्स्ट ईयर, कि मेरा भाई अगले साल 25 वर्ष का हो जाएगा. 25 तो विल बी आएगा ठीक है. नेक्स्ट, हिज डॉटर एवरी संडे. अब ये देखो एवरी संडे आ गया ना, तो ये आ गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट. और हिज डॉटर है यहाँ पर है, तो हिज डॉटर आपका माना जाएगा सिंगुलर, तो गोज. ओके गोज फिफ्थ फॉर्म आएगा. हिज डॉटर गोज टू जू एवरी संडे, हर संडे उसकी बेटी जू में जाती है, चिड़ियाघर में जाती है. नेक्स्ट, अब ये एक वैश्विक सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कि ऑयल है वो पानी पर तैरता है, और ऑयल अनकाउंटेबल नाउन है तो इसको सिंगुलर मानेंगे. सिंगुलर मानेंगे तो फ्लोट्स, पांचवी फॉर्म आएगी फ्लोट्स, FLOATS, कि ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, कि तेल है वो पानी पर तैरता है, बहता है. द स्कूल इन जुलाई एवरी ईयर, एवरी आ गया ना, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट, कि स्कूल हमेशा जुलाई में खुलते हैं, तो रीओपन्स यानी पुनः खुलते हैं. रीओपन्स छुट्टियों के बाद खुलते हैं ना, तो रीओपन, पहले जुलाई में ही खुलते थे बच्चों. नेक्स्ट, इट इज टाइम, ये वो समय है कि वी प्लेइंग क्रिकेट. अब इट इज टाइम कि इस वक्त हम, इट इज टाइम वी प्लेइंग क्रिकेट, कि ये वो समय है जब हम क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे हैं. वैसे तो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आना चाहिए था आपको इज वी, सॉरी वी आर प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन यहाँ इसने वर्ब स्टार्टिंग दे दिया, वी वर स्टार्टिंग क्रिकेट, कि ये वो समय है जब हम क्रिकेट स्टार्ट कर रहे थे. नेक्स्ट, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हु ब्रॉट अप, ब्रिंग और ब्रॉट अप,
मुझे नहीं पता कि उसका पालन पोषण किसने किया। ठीक है, तो यहां पर आपको किया पास्ट इंडेफिनिट है, ब्रोट, ब्रोट अप। नेक्स्ट, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस। अब ये देखिए वही आगे ना, इफ क्लोज, एक तरफ आपका विल लगा के पहली फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इधर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना होता है बच्चों। फ्यूचर इंडेफिनिट एक साइड में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपका हो गया वर्क, ये आएगा। ओके, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत करते हो, यू विल सक्सीड, तुम अवश्य ही सफल होगे। एट प्रेजेंट, इस वक्त ही, अब एट प्रेजेंट आ गया तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ही इज टॉकिंग टू हिज टीचर, इस वक्त वह अपने टीचर से बात कर रही है, इज टॉकिंग, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे न्यूटन, अब देखो न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की, गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की। लॉ होते हैं नियम, ग्रेविटेशन होता है गुरुत्व आकर्षण, गुरुत्व आकर्षण, तो न्यूटन ने खोज की, तो डिस्कवर्ड सेकंड फॉर्म, कोई भी खोज अगर करता है तो वो सेकंड फॉर्म में आएगी बच्चों, ध्यान कर लेना, ये मैंने पहले बता दिया आपको। नेक्स्ट, सी एवरी मॉर्निंग, तब देखो सी गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, कि वह हर सुबह एक सैर के लिए जाती है। अब सी सिंगुलर है तो हमें पांचवी फॉर्म लगानी है गो की, गोज, ये आंसर आएगा गोज। नेक्स्ट, मिस्टर यू झा न्यूज़पेपर दिल्ली, हर रोज एक अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो हर रोज आ गया ना डेली, तो आपको ये यू झा, अब ये सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है तो आपको भरना है रीड्स, ठीक है, पांचवी फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, पांचवी फॉर्म भरेंगे आप। नेक्स्ट, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, इन द ऑफिस फॉर 14 ईयर, कि वह 14 सालों से इसमें काम कर रही होगी, इस साल के अंत तक वह 14 सालों से इस ऑफिस में काम कर रही होगी, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ध्यान करो आप बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही आ गया, तो सी विल हैव बीन वर्किंग, ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यू हर्ड अबाउट द एसेसिनेशन ऑफ मिस्टर गांधी, एसेसिनेशन होता है हत्या करना या हत्या, कि तुम गांधी की हत्या के बारे में जान चुके हो या सुन चुके हो, ठीक है, या सुन चुके थे, तो इसमें आएगा हैड हर्ड। ओके, तुम गांधी की हत्या के बारे में सुन चुके थे। नेक्स्ट, द पुलिस, ठीक है, रोबर्स बाय द नेक्स्ट ईयर, कि कल अगले साल तक पुलिस है वो चोरों को पकड़ चुकी होगी। विल हैव कोर्ट, ये आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव कोर्ट। नेक्स्ट, ही, अब यहां देखेंगे आप 65, ही डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है, कि इस मंथ तक वह काम कर रहा होगा, इस मंथ के आखिर तक वह काम कर रहा हुआ, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया बच्चों, ध्यान करना, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तो ही विल बी डूइंग, ये आ जाएगा ही विल बी डूइंग, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। व्हेन ही गेट्स होम, जब वो घर जाता है, हिज चिल्ड्रन विल स्लीप, सो रहे होंगे, सॉरी सॉरी, ये आएगा भाई, जब वो घर पहुंचेगा, ठीक है, तो उसके बच्चे सो रहे होंगे, विल बी स्लीपिंग, सो रहे होंगे। नेक्स्ट, At this time tomorrow, कल शाम के इस वक्त तक, ही न्यूज़पेपर, कल इस समय वह अखबार पढ़ रहा होगा, तो will be reading, ठीक है, he will be reading, यह आएगा आपका future continuous tense। It to rain, it is going to rain, बारिश होने वाली है, it is going to rain, बारिश होने वाली है। He is to die, कि वह मरने वाला है, he is to die, वह मरने वाला है। Next, 70, you to accept the challenge of time, कि आपको जो समय की चुनौती है वो स्वीकार करनी ही होगी। have to, you have to accept,
तुम्हें स्वीकार करनी ही होती है, समय की चुनौतियों को स्वीकार करना होता है। नेक्स्ट, ही टू हिज ब्रदर हाउस दिस आफ्टरनून, ठीक है, इस आफ्टरनून, ठीक है, वह अपने ब्रदर के घर जा रही है, इज गोइंग, ही इज गोइंग टू हिज ब्रदर हाउस दिस आफ्टरनून, आज दोपहर वह अपने भाई के घर जा रही है। नेक्स्ट, आवर एग्जामिनेशन इन मार्च, हमारी परीक्षाएं मार्च में होती है, कमेंसेस, ये आएगा कमेंसेस, आयोजित होती हैं। नेक्स्ट, वीना टू मुंबई नेक्स्ट ईयर, मुंबई अगले साल जा रही है, ठीक है, तो वैसे तो इज गोइंग आना चाहिए या विल गो आना चाहिए, लेकिन इसने ऑप्शन दिया है गोज, वेंट तो इसमें आएगा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर आप गोज भर सकते हैं, अगले ईयर जा रही है। नेक्स्ट, आई मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, अब देखो इसमें आपका वो इफ क्लोज वाला काम हो जाएगा, तो यहाँ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, देखो आप कम्स फिफ्थ बोला ना, तो आप इधर फ्यूचर इंडेफिनिट भर देंगे आप, तो सेल बाय, आई सेल बाय ये मोटरसाइकिल, जब प्राइस यानी रेट नीचे आते हैं तो मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। ओके, नेक्स्ट, सी सेड दैट, उसने कहा कि सी हैड बीन, अब हैड बीन आएगा क्योंकि यहां जब आपकी आ जाती है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वाले में आप हैड बीन वाले लगाएंगे, हैज बीन नहीं लगाएंगे, ये वाला हैड बीन वर्किंग फॉर टू आवर्स, उसने बताया कि वह दो घंटे से काम कर रही थी। नेक्स्ट, ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग ए नोवल, उसने बताया कि वह एक नोवल लिख रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, हैड द टीचर नॉट कम, टीचर आए नहीं थे, क्या टीचर आए नहीं थे, द स्टूडेंट्स वुड हैव स्टडीड, अब आपको मैंने बताया था कि एक तरफ हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ठीक है, तो उधर आपको वुड हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगानी होती है, ये इफ क्लोज वाले वाक्य हैं, ध्यान कर लेना आप बच्चों। नेक्स्ट, मुकेश सेड दैट, मुकेश ने कहा कि ही ब्रिंग द टेक्स्ट बुक, कि वह पुस्तकें लाना भूल गया, तो हैड फॉरगॉटन ये आएगा आपका, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में आ गया है, तो हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, श्वेता सेड दैट, श्वेता ने कहा कि सी हैड लॉस्ट हर बुक इन द स्कूल, कि उसने अपनी पुस्तक स्कूल में खो दी थी, हैड लॉस्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट, द डायरेक्टर हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई अराइव्ड, अब देखो बिफोर से पहले तो हैड लगा के थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है, तो बाद में पास्ट इंडेफिनिट आएगा, अराइव्ड, जब मैं आया उससे पहले डायरेक्टर है वो ऑफिस आ चुके थे। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स, अब देखो बिफोर वाला वाक्य आ गया ना, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो इधर आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, हैड स्टूड अप बिफोर द टीचर केम, जब अध्यापक आया उससे पहले बच्चे खड़े हो चुके थे। माई फादर सेड दैट ही वॉज गोइंग टू दरभंगा, मेरे पिता ने कहा कि वह दरभंगा जा रहे थे, वॉज गोइंग ये आएगा, इज गोइंग नहीं आएगा, इसमें ध्यान करना बच्चों। माई बी लवर्ड सेड दैट, मेरे प्रेमिका ने कहा कि सी वॉज प्रिपेयरिंग UPSC एग्जामिनेशन, ठीक है, वह एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रही थी, वॉज प्रिपेयरिंग आएगा। नेक्स्ट, थैंक यू बच्चों, यहीं तक इतना ही काफ़ी है।